मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार में धार देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे। इम्फाल स्थित जिले के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र हिंगांग में मेगा चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बंद और ब्लॉकेड को मणिपुर का भविष्य बना दिया था, लेकिन पिछले 5 साल में भाजपा के शासनकाल में प्रदेश बंद और ब्लॉकेट की स्थिति से न सिर्फ उभरा है बल्कि स्थिति में सुधार भी हुआ है। भाजपा सरकार ने मणिपुर में असंभव को भी संभव बनाया है। बंद और ब्लॉकेट से मणिपुर का शहर हो या गांव, हर क्षेत्र को राहत मिली है। वरना कांग्रेस सरकार ने तो बंद और ब्लॉकेड को ही मणिपुर का भाग्य बना दिया था। इससे रोजगार और कारोबार तो ठप होते ही थे, जरूरी सामान की कमी भी आप लोगों को भुगतनी पड़ती थी। और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि फूट डालो राज करो कांग्रेस की नीति रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में वैली और हिल्स के बीच एक गहरी खाई बना दी गई थी, जिसे भाजपा नेतृत्व वाली एन बीरेन सिंह की सरकार ने पाटने का काम किया और दोनों को एक साथ लाकर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाया। कांग्रेस ने कभी आपके सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं किया, आपसे स्नेह नहीं किया। आज भी कांग्रेस के नेता यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में जाते हैं, पहुंचते ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के यहां की संस्कृति, हमारे मणिपुर की संस्कृति, हमारे नॉर्थ ईस्ट के पहनावे, हमारे मणिपुर के पहनावे, इसकी मजाक उड़ाते हैं, मखौल उड़ाते हैं, बेइज्जती करते हैं। यहां मणिपुर में भी कांग्रेस ने हिल और वैली, इसके बीच ऐसा विभाजन कर दिया, ऐसी खाई पैदा कर दी और अपनी सत्ता का खेल खेलते रहे भाइयों। और मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मणिपुर में कनेक्टिविटी के विकास पर कभी भी काम नहीं किया। मणिपुर सहित पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ कारोबार में भारत का गेटवे है, इसीलिए केंद्र सरकार मणिपुर को रेल से लेकर हाईवे से जोड़ने पर काम कर रही है। उन्होंने जिरीबाम स्टेशन पर पहली बार मालवाहक ट्रेन पहुंचने का जिक्र करते हुए कहा कि वह दिन दूर नहीं जब इम्फाल को रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा। कांग्रेस ने मणिपुर की कनेक्टिविटी पर, मणिपुर के हर क्षेत्र के विकास पर कभी काम नहीं किया। मणिपुर सहित ये पूरा क्षेत्र ईस्ट एशिया के साथ भारत के व्यापार कारोबार का गेटवे है, इसलिए बीजेपी सरकार मणिपुर को के रेल मैप पर लाई, जिरीबाम को रेल से जुड़े हुए 5-6 साल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले जब रानी गाइडिनल्यू स्टेशन पर पहली गुड्स ट्रेन पहुंची थी तो जैसे आप लोग खुशियों से भर गए थे, मुझे भी ये काम करने का बहुत आनंद और संतोष मिला था। वो दिन दूर नहीं है, इम्फाल तक भी रेल आएगी और ये मोदी है तो पक्का आएगी।
और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि बीरेंद्र सिंह सरकार ने सभी को एक साथ लेकर चलते हुए बदलाव का नया अध्याय लिखा है। युवा हिंसा का रास्ता छोड़ मणिपुर के विकास के लिए बढ़ चढ़कर आगे आए हैं। एक समय था जब सरकार तक पहुंचना लोगों के लिए असंभव था, लेकिन बीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार को लोगों की सरकार के रूप में बनाया है। बीरेंद्र सिंह जी और उनकी सरकार ने सभी को साथ लेकर चलते हुए मणिपुर में बदलाव का नया अध्याय लिखा है। अनेकों युवा अब हिंसा का रास्ता छोड़कर मणिपुर के विकास में सहयोग करने के लिए बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं। एक समय था जब मणिपुर के लोगों के लिए सरकार तक पहुंचना, सरकारी दफ्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, जबकि बीरेंद्र जी ने अपनी सरकार की पहचान पीपल्स गवर्नमेंट के तौर पर बनाई है। और मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूर्वोत्तर के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। यह एनडीए की सरकार है जो पूर्वोत्तर को अष्ट लक्ष्मी मानती है। कांग्रेस पार्टी नॉर्थ ईस्ट के लोगों की भावनाओं को, यहां के लोगों की तकलीफों को कभी समझ ही नहीं पाई। ये एनडीए की सरकार है जो नॉर्थ ईस्ट को अष्ट लक्ष्मी मानते हुए, भारत के विकास का ग्रोथ इंजन मानते हुए काम कर रही है। आप सभी की सेवा, आप सभी का विकास ही हमारी प्राथमिकता है। 2017 से पहले राशन को लेकर कितनी दिक्कतें होती थी, ये भाजपा की सरकार है जिसने यहां राशन व्यवस्था में चल रही लूट को समाप्त कर दिया। कोरोना के संकट काल में भी मणिपुर के 22 लाख लोगों को भाजपा सरकार करीब करीब 2 साल से मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रही है।